नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपका ले रहा हूँ छंद का टेस्ट, और छंद का तीन वीडियो दोस्तों छंद के मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तीन वीडियोस में पूरा का पूरा जो आपका छंद है वो आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और जिसने वो तीन वीडियो देखे हैं तो दोस्तों ये जो प्रश्न अभी मैं आपको करवाऊँगा, जो टेस्ट ले रहा हूँ उसमें आपके सारे प्रश्न सही होंगे, इसकी गारंटी है। और बहुत ही शानदार ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगी छंद के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। यहाँ पे एक श्लोक जो इस प्रकार से लिखा हुआ है जिसमें चार चरण हैं, पहला चरण ये, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, चार चरण हैं। अपने को क्या करना है, इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। दोस्तों पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने को छंदों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को कौन इसमें छंद कौन सा बस ये बताना है। अपन जानते हैं छंद जो है, अपन ने 17 पढ़े हैं, 17 में से ही कोई सा एक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, वर्णों को गिनना होता है। मतलब पहली लाइन में वर्ण गिन लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरी लाइन में, ठीक है। तो पहली लाइन के वर्ण कितने, देखिए यहाँ पे एक, और वर्ण को गिनने का नियम क्या है, आधा वर्ण नहीं गिनना है, बाकी सारे वर्ण गिनने, आधा जो भी वर्ण होगा हलंत के साथ होगा वो भी आधा माना जाता है, उसको नहीं गिनना है, आधा जो वर्ण होगा उसको भी नहीं गिनना है, ठीक है। तो वर्ण गिनिए, एक हो गया, दूसरा या तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरह, चौदह, ये पंद्रह, ये सोलह, ये सत्रह, ये अठारह और ये उन्नीस। टोटल कितने वर्ण है इसमें, 19 वर्ण दोस्तों, ठीक है। अगर सही नहीं गिने गए तो एक बार पुनः गिन लीजिएगा, आपके 19 ही वर्ण आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 19 वर्ण हैं, मतलब 19 वर्णों वाला छंद कौन सा, अपने को ये देखना है। अब दोस्तों जब मैंने आपको छंद पढ़ाए तो 19 वर्णों वाला मात्र एक ही छंद मैंने आपको बताया था, एक ही छंद दोस्तों बताया था 19 वर्ण वाला, इसके अलावा और कोई छंद नहीं है। और वो छंद कौन सा होगा दोस्तों, आपका शार्दुल विक्रीडित छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद। तो शार्दुल और विक्रीडित छंद जो है इसमें होगा, शार्दुल विक्रीडित छंद एकमात्र ऐसा छंद है जिसमें 19 वर्ण दोस्तों होते हैं। और 19 वर्ण जिस भी छंद में हो, प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण, ठीक है, इसमें भी 19 वर्ण, इसमें 19, इसमें 19 और इसमें भी 19, प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण हैं। और अपने को सिर्फ एक या दो चरणों को देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा चरणों को नहीं देखना है अपने को, ठीक है। लेकिन 19 वर्णों वाला होता ही केवल एक ही आपका छंद है, तो आपको दो चरण भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका 100% 19 जो वर्ण होंगे वो आपका शार्दुल विक्रीडित छंद ही होगा। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा शार्दुल विक्रीडित छंद। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन देख करके व्यक्ति अंदाजा भी लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इतनी शानदार ट्रिक बताई है, यूनिक ट्रिक बताई है कि आप आसानी से जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर दे सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में यहाँ पे आपको एक श्लोक दे रखा है, यदा लोके सूक्ष्म वर्जत सहसा त्वी त्वी त्वि त्विद्वि पुलता ये धर्मे विच्छिन्नम भवति कृत संधानमिव तत्। यानी कि पढ़ने में दोस्तों थोड़ी सी समस्या अपने को आती है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत अपने जो लैंग्वेज है वो रही नहीं है, दसवीं तक पढ़ने के बाद अपन छोड़ देते हैं संस्कृत को, तो पढ़ने में समस्या ज़रूर आती है। लेकिन इसकी भी ट्रिक मैंने आपको शानदार बता रखी है कि यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना, पहला काम क्या है, वर्णों को गिनना। अब वर्णों को गिनना पड़ेगा अपने को, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, क्योंकि अक्ष को नहीं गिना, क्यों, क्योंकि इसमें जो है आधा है, ठीक है। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए। फिर आ गए आपका सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। यहाँ पे कितने वर्ण आपके, 17 वर्ण दोस्तों, इसमें कितने वर्ण हैं, 17 वर्ण है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 17 वर्ण के आपके कितने जो छंद होते हैं, तीन छंद होते हैं। ऐसे छंद कितने होते हैं जिनमें 17 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में जिनमें 17 वर्ण हो, 17 17 17 और इसमें भी 17, तो ऐसे कितने छंद होते हैं दोस्तों, तीन छंद होते हैं। एक तो होता है शिखिरणी छंद, एक होता है आपका हरिणी छंद और एक होता है आपका जो है आपका मंदाक्रांता छंद। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा छंद है ये अपने को बताना है। अब दोस्तों मंदाक्रांता छंद में भी 17 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता 17 वर्णों का, शिखिरिणी जो है वो भी 17 वर्णों का है, इसी प्रकार हरिणी जो है वो भी 17 वर्णों का छंद होता है। लेकिन दोस्तों इनकी पहचान कैसे करें, मंदाक्रांता दोस्तों सबसे पहले वर्णों को गिनते हैं। अब अपन जानते हैं 19 वर्ण थे, इसका मतलब 100% आपका शार्दुल विक्रीडित छंद ही होगा। लेकिन अगर 19 वर्ण ना आकर के आपके 17 वर्ण आ गए, तो अपन जानते हैं 17 के तो तीन होते हैं, अब तीनों में से कौन सा होगा, इसकी पहचान कैसे की जाए। तो दोस्तों सबसे पहले वर्णों को गिनते हैं,
17 वर्णों वाले अब तीन आ गए, तो अब क्या करेंगे पहचानने के लिए? तो दोस्तों अब जो है अपन क्या करेंगे, मात्राओं को देखेंगे, स्टार्टिंग से मात्राओं को देखेंगे, ठीक है। मात्रा मैंने देखना आपको बताया है कि दीर्घ वर्ण की पहचान करेंगे, यानी कि वर्णों को देखेंगे कि दीर्घ वर्ण कौन सा है, लघु कौन सा है। तो स्टार्टिंग में तीन को देखा जाता है, तीन वर्णों को अपन देखते हैं, ठीक है। मंदाक्रांता में क्या नियम होता है, स्टार्टिंग में क्या आते हैं? मंदाक्रांता में स्टार्टिंग में आपका ट्रिपल एस आता है, यानी कि तीनों के तीनों वर्ण जो हैं वो दीर्घ होते हैं। शिखिरणी जो छंद है उसमें आपका पहले लघु आता है यानी आई, और उसके बाद दीर्घ आते हैं एस एस, ठीक है। और इसके बाद हरिणी जो होता है उसमें आपका तीनों के आते हैं लघु आते हैं, यानी ट्रिपल आई स्टार्टिंग में आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सेम होते हैं ना, सेम वर्णों वाले, इनके ये तीन तीन वर्णों के, जो आपको तीन तीन वर्णों को ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग के तीन वर्ण क्या आते हैं। दीर्घ अगर तीनों हो तो ट्रिपल एस होता है पहला, लघु तो आई, और फिर दीर्घ दोनों तो एस एस, यानी दीर्घ को एस से दिखाते हैं और लघु को आई से। इसका मतलब ये मैंने अब डिटेल से पढ़ाया था, उसमें नहीं देखे वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक का देख लीजिएगा दोस्तों, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे कि अपना कौन सा नियम लग रहा है। देखिए ये जो है ये लघु वर्ण, तो आई ऊपर आ जाएगा। दा जो है वो दीर्घ है, आ की मात्रा आ गई तो एस आ जाएगा। लो जो है वो दीर्घ वर्ण होता है, ओ की जो मात्रा है वो दीर्घ है, इसलिए यहाँ पे भी एस आ जाएगा। तो बस तीन ही देखने अपने को, आगे से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, आई एस एस आया। और 17 वर्णों वाला कौन सा छंद है जिसमें आई एस एस आता है स्टार्टिंग में? तो दोस्तों शिखरिणी जो छंद है उसमें, शिखरिणी छंद में आई एस एस आता है, क्योंकि मंदाक्रांता में ट्रिपल एस आता है और हरिणी में ट्रिपल आई आता है, लेकिन शिखरिणी ऐसा छंद है जिसमें आई एस एस आता है 17 वर्णों वाला। तो 17 वर्णों वाला तीन ही छंद अपने पास हैं, शिखरिणी, मंदाक्रांता और हरिणी। तो मंदाक्रांता और हरिणी होंगे नहीं, तो शिखरिणी यहाँ पर सही आंसर दोस्तों होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिटेल से ज़्यादा बता दिया इसको, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सही आंसर यहाँ पर आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न थोड़ा जल्दी करते हैं। तीसरा प्रश्न अपना, अपने को पढ़ के देखना ही नहीं है, अपने को सीधा क्या काम करना है, गिनने बैठ जाना वर्णों को। चार चरण यहां दे रखे हैं, एक दो तीन और चार, चार चरण दे रखे हैं, गिनिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15, मैं को नहीं गिनी क्योंकि मैं आधा है, यानी 15 वर्ण यहां पर आए हुए हैं। दोस्तों 15 वर्णों वाले कितने चरण आपके, 15 वर्णों वाले आपके कितने छंद होते हैं? दोस्तों सिर्फ एक छंद होता है 15 वर्णों वाला, जो मैंने आपको पढ़ाया है, मात्र एक ही छंद पढ़ाया है। वो छंद कौन सा है? मालिनी छंद। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मालिनी छंद होगा। दोस्तों यानी कि अपन ने क्या किया, वर्णों को गिना। 19 आया तो 100% शार्दुल विकीर्णित होता है, क्योंकि 19 का कोई और है ही नहीं। 15 आया तो 100% मालिनी होगा, क्योंकि 15 वर्णों का एक ही छंद है मालिनी, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन 17 का आ गया तो तीन छंद हो जाते हैं, और तीनों छंदों की पहचान करने के लिए फिर अपने को वर्णों को देखना पड़ता है कि वो लघु या दीर्घ हैं। नियम अपने को याद होने चाहिए, पहले तीन वर्णों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसमें जो है अपने वर्णों को देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि 15 वर्णों वाला एक ही छंद है अपना, वो कौन सा है? मालिनी। तो मालिनी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चौथा प्रश्न, तो अमेकम शरणम तो अमेकम वर्ण्यम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी अपना वही काम है, चार चरण दे रखे हैं अपने को और चारों चरणों को अपन को देखना है, और सबसे पहला काम है वर्णों को गिनना। तो तय आधा नहीं गिनेंगे, तो एक वैसे शुरू होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है 12 होंगे क्योंकि मैं है, ये भी हलंत वाला नहीं गिना जाएगा। तो टोटल 12 वर्ण यहाँ पे हुए। एक बार फिर से आप गिन के देख सकते हैं, 12 ही वर्ण होंगे दोस्तों। तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं, ठीक है। अब 12 वर्ण यहाँ पे दे रखे हैं प्रत्येक चरण में, और 12 वर्णों के दोस्तों कितने छंद होते हैं? टोटल आपके 12 वर्णों के तीन छंद होते हैं। 12 वर्णों के भी कितने छंद होते हैं? तीन छंद होते हैं। एक होता है आपका भुजंग पर्यंत, एक कौन सा होता है? भुजंग पर्यंत। दूसरा होता है वंशस्य, और तीसरा होता है आपका दुर्त विलंबित। तीसरा कौन सा होता है? दुर्त विलंबित छंद होता है। 12 वर्णों के ये तीन छंद आपके होते हैं। अब 12 वर्णों का ये छंद अपने प्रश्न में जो दिया गया है, अब तीनों में से कौन सा होगा ये देखना है। तो दोस्तों अपन को पता है कि वर्णों को ध्यान में रखना है, पहले तीन वर्ण
कैसे हैं, छंद के लघु हैं या दीर्घ हैं, या लघु या दीर्घ किस प्रकार से हैं। तो दोस्तों भुजंग पर्यंत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तीनों वर्णों का शुरू में आई एस एस होता है, यानी पहला लघु, दूसरा दीर्घ, तीसरा भी दीर्घ, ठीक है। वंशस्य का क्या होता है, आई एस आई, और जो आपका द्रुत विलंबित छंद है उसका क्या होता है, ट्रिपल आई दोस्तों होता है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है अपने को, प्रथम तीन वर्णों को देखना है, तय आधा है, इसके बाद में वह है, तो वह क्या आएगा, आई, यानी कि अपना लघु ही आएगा, क्योंकि तय से पहले वाला वर्ण जो होता है वो दीर्घ माना जाता है, आधे भाई आधा अक्षर जो होता है उससे पहले वाला जो वर्ण है उसको आधा माना जाता है, लेकिन आधे अक्षर से अगले वाला तो अगर दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा, लघु है तो लघु रहेगा, तो वह को लघु मानेंगे। ए की जो मात्रा होती है वो दीर्घ होती है, तो मे को दीर्घ मानेंगे, और मैंने बताया आपको अनुस्वार वाला कोई भी वर्ण हो तो उसको दीर्घ मानेंगे, तो कह के ऊपर अनुस्वार तो क्या बना, आई एस एस। अब दोस्तों आसान हो गया, 12 वर्णों वाले तो तीन छंद होते हैं अपने पास, भुजंग पर्यंत, आपका वंशस्य, और एक द्रुत विलंबित छंद, लेकिन आई एस एस किस में आता है, स्टार्टिंग में भुजंग पर्यंत में आता है, तो इसका सही आंसर को क्या होगा दोस्तों इस चौथे प्रश्न का, तो इसमें कौन सा छंद है, भुजंग पर्यात छंद है, भुजंग पर्यात छंद यहाँ पे होगा, क्योंकि हरिणी में ट्रिपल आई आता है स्टार्टिंग में, और द्रुत विलंबित में, सॉरी आपका हरिणी तो 17 वर्णों वाला, वंशस्य में आई एस आई आता है स्टार्टिंग में, और आपका द्रुत विलंबित जो कि 12 वर्णों का छंद है उसमें ट्रिपल आई आता है, और यहाँ पे जो आया हुआ है वो है आई एस एस, तो आई एस एस आपका भुजंग पर्यांत में ही आता है, तो भुजंग पर्यांत होगा यहाँ पे सही आंसर अपना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपका सही भी हुआ होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है दोस्तों, पाँचवा जो छंद है वो क्या है, अपना पाँचवा छंद दे रखा है, पांचवा अपना छंद दे रखा है, श्रीनाथ नारायण वासुदेवम, श्री कृष्ण भक्त प्रियम चक्रपाणे, इस प्रकार से अपने को एक छंद दे रखा है दोस्तों, अपने को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सीधा अपने का पहला ही काम क्या करना है, अपने को सबसे पहले देखना क्या है कि यहाँ पे कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे कोई आधा नहीं इसलिए सारे गिनने पड़ेंगे, तो 11 वर्णों वाला है। अब दोस्तों 11 वर्णों वाले कितने छंद अपने पास, 4 हैं, ठीक है। एक तो कौन सा है, इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा, एक उपजाति, और दूसरा चौथा आपका होता है यहाँ पे आपका शालिनी, चौथा क्या है, शालिनी है, ठीक है दोस्तों, चौथा आपका शालिनी छंद। इंद्र वज्रा छंद जो है उसमें क्या होता है, इंद्र वज्रा छंद में जो है मात्रा कौन सी आती है दोस्तों, आपकी इंद्र वज्रा छंद में आती है एस एस आई की, ठीक है, एस एस आई की आती है। उपेंद्र वज्रा में आई एस आई की आती है। उपजाति में क्या होता है, इंद्र वज्रा भी होता है और उपेंद्र वज्रा भी होता है, यानी उपजाति जो छंद है उसमें एस एस आई भी आएगा और दूसरे चरण में क्या आएगा, आई एस आई आएगा, ठीक है। और शालिनी छंद क्या होता है, इसमें ट्रिपल एस आपका आता है, ट्रिपल एस इसमें आता है, ठीक है दोस्तों। तो नियम आपको मैंने बता दिए, अब दोस्तों इनमें से चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अब दोस्तों अपने को दोनों चरण देखने पड़ेंगे, क्यों देखने पड़ेंगे भाई, 11 वर्ण तो हैं दोनों में, लेकिन उपजाति एक ऐसा छंद है जिसमें पहली लाइन में तो इंद्र वज्रा होगा और दूसरी लाइन में उपेंद्र वज्रा होगा, अगर दोनों हैं, दोनों लाइनों में अलग अलग हैं तो इसमें का मतलब उपजाति होगा, और एक है तो कोई सा भी इंद्र वज्रा भी हो सकता है, उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है, या फिर आपका शालिनी भी हो सकता है, उनके नियम अपने को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, श्री बड़ी मात्रा है तो एस आएगा, इसके बाद ना जो है बड़ी मात्रा है एस आएगा, थे जो है उसमें ये आपका लघु वर्ण है तो आई आएगा, एस एस आई बना अपना, तो एस एस आई तो इंद्र वज्रा में होता है, तो हो सकता है इंद्र वज्रा हो, लेकिन इसको भी देखेंगे, श्री कृष्ण तो यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, दीर्घ होता है, तो इसके ऊपर भी एस आएगा, अण जो है वो आपका लघु है तो आई आएगा, लेकिन ठीक है दोस्तों, तो एस एस आई ऊपर है, एस एस आई नीचे, यानी कि दोनों ही चरणों में अपने इंद्र वज्रा के लक्षण आ गए। अब दोनों चरणों में इंद्र वज्रा के लक्षण आ गए तो 100% यहाँ पे कौन सा छंद होगा, इंद्र वज्रा छंद ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस लाइन में अगर आपके उपेंद्र वज्रा के लक्षण आ जाते, यानी आई एस आई होता, यानी पहला लघु, दूसरा दीर्घ और तीसरा लघु होता, तो फिर ये उपजाति छंद दोस्तों हो जाता। अगर तीनों के तीनों स्टार्टिंग में एस ट्रिपल एस आ जाता, यानी तीनों के तीनों दीर्घ वर्ण आ जाते, वो शालिनी हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो पांचवें प्रश्न का आंसर होगा आपका इंद्र वज्रा छंद। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सैले सैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधु नहीं सर्वत्रम चंदम चंद्रम न वने वने। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया श्लोक है, चार चरण यहाँ पर भी हैं, पहला चरण ये रहा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चरण। दोस्तों देखिए सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 8 वर्ण यहाँ पे प्रत्येक चरण में अपन देख सकते हैं, आगे भी 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि दूसरे चरण में भी 8 वर्ण, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण हैं, तो प्रत्येक चरण में अगर 8-8 वर्ण है तो कौन सा छंद होगा? एकमात्र छंद होता है 8 वर्णों वाला, वो होता है अनुष्टुप छंद। तो छठे प्रश्न का आंसर अपना हो जाएगा अनुष्टुप छंद। इसलिए जो आसानी से अपन बता देंगे कि छठे प्रश्न का क्या आंसर होगा, अनुष्टुप छंद होगा, क्योंकि 8 वर्णों वाला मात्र एक छंद होता है अनुष्टुप छंद। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि 2015 में आया हुआ है, और 2018 में दोस्तों आपका शार्दूल विकृडित छंद का आया था, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें शार्दूल विकृडित छंद है, या अपन आप देख भी सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, उसमें 19 वर्ण आपको मिलेंगे और शार्दूल विकृडित छंद वो होगा। यहाँ पर जो है अपने को क्या देखना है, इस छंद में कौन सा जो है आपका छंद होगा इस श्लोक में, तो यहाँ पे 4 चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अपन देखेंगे कितने वर्ण, पहला काम अपना गिनना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह यहाँ पे वर्ण आ गए दोस्तों। 11 वर्णों के तो अपने को पता है कितने छंद होते हैं, 4 छंद होते हैं। एक तो होता है आपका इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा, एक उपजाति। उपजाति क्या होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का रूप। एक होता है शालिनी, शालिनी में अब दोस्तों अपने को पता है कि शालिनी का क्या नियम होता है, पहले तीनों के तीनों जो अब दोस्तों अपने को पता है 11 वर्णों वाले 4 छंद अपने पास हैं, ठीक है, 4 छंद अपने पास हैं, चारों में से कोई सा होगा। तो अब इसकी कैसे पहचान करेंगे, तो वर्णों को देखेंगे, तीनों के तीनों स्टार्टिंग के अगर दीर्घ वर्ण होते हैं यानी ट्रिपल एस अगर स्टार्टिंग में आता है छंद के, तो शालिनी होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है, फिर रे, ये तो लघु हो गया तो आई आ गया, और फिर सॉरी रे जो है वो लघु नहीं आएगा आपका, यहाँ पे देखिए आ है वो दीर्घ है, रे के आगे आधा मह है, आधे मह से यानी आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण दीर्घ होता है तो एस आएगा फिर से, और भय जो वो आधा है तो एस एस आई बना अपने पास, एस एस आई बना, तो ये शालिनी तो होगा नहीं। एस एस आई किस में आता है, इंद्र वज्रा में दोस्तों आता है। एस एस आई किस में आता है, इंद्र वज्रा में आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दूसरी लाइन भी अपन चेक करेंगे, क्या पता उसमें उपेंद्र वज्रा हो जाए, ठीक है। तो दूसरी लाइन में लय जो है वो क्या है आपका, देखिए लघु है तो आई आ गया, सॉरी यहाँ पे लघु नहीं रहेगा आपका लय, क्योंकि घय जो है वो आधा है तो यहाँ पे भी एस आएगा, क्या आएगा, एस ही यहाँ पे दोस्तों आएगा। और इसके बाद जो आपका दे रखा है, इसके बाद आपका क्या दे रखा है दोस्तों, वी दे रखा है, वी दे रखा है, वी जो है वो बड़ी मात्रा है तो ये भी एस ही आएगा, और पू जो है वो आपका ऊ की मात्रा आई, यहाँ पे ये इंद्र वज्रा दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है। लेकिन फिर आगे भी अपन देखेंगे दी जो है वो आपका क्या होगा, दी जो है ये आपका जो होगा वो होगा लघु, ठीक है, ई की मात्रा छोटी है, लघु होगा, तो इसको किससे दिखाएंगे, आई से दिखाएंगे, आई। और अगला अपना है न, उससे आगे जो अपना जो है वो स है अपना आधा, इसलिए ये न जो है वो दीर्घ वर्ण होगा आई एस, और ये होगा आई, ठीक है। तो यहाँ देखिए चेंज हो गया, ये तीसरे चरण में जाके चेंज हुआ है, ठीक है, पहले दोनों सेम है एस एस आई तो अपन इंद्र वज्रा अपन आसानी से लगा सकते थे, लेकिन इंद्र वज्रा नहीं होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि तीसरे चरण में जाते ही बदलाव आ गया है, यहाँ पे क्या बना दिन सस्य, ठीक है, तो दिन सस्य में आई एस आई की मात्रा आ रही है, यानी कि ये आई एस आई किसका पहचान होता है आपका उपेंद्र वज्रा का होता है, एस एस आई इंद्र वज्रा का, आई एस आई उपेंद्र वज्रा का, तो दोनों मिलेंगे जब, तो एक जहाँ पे दोनों छंद मिलते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, दोस्तों जरूरी नहीं है कि दूसरे चरण में अपने को मिल जाए, तीसरे में भी मिल सकता है, चौथे में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा छंद होगा, दोनों का मिश्रित रूप होता है उपजाति, तो दोस्तों यहाँ पे उपजाति छंद होगा, तो सातवें प्रश्न का आंसर होगा आपका उपजाति छंद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये थे दोस्तों 7 प्रश्न छंदों से संबंधित, उम्मीद करता हूँ आपके सभी सही हुए होंगे, और छंदों को दोस्तों मेरे हिसाब से इससे सरल तरीके से कोई पढ़ा नहीं सकता जितने सरल तरीके से मैंने आपको इनको पढ़ाया है, बताया आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो उस टॉपिक छंद वाले टॉपिक के वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि सभी लोगों को इससे बेनिफिट मिले, क्योंकि छंद का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा समय खराब करता है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से अपन पढ़ें तो ये मिनटों में हो जाता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।